गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेम। स्टेम का जितना भी पोर्शन आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है वो सभी बातें आज बहुत धीरे से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में कुछ बातें दिए गए हैं, कुछ एडिशनल भी वर्ड में बताऊंगा, उसको भी नोट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है दोस्तों, मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ कुछ वर्ड्स टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस मॉर्फोलॉजी के पिछले दो वीडियो देख चुके होंगे। पहला तो था इंट्रोडक्शन, सेकंड था रूट के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। ये वीडियो नंबर 3 है दोस्तों, जिसके अंदर हम स्टेम पढ़ रहे हैं। आगे भी हमको लीफ के बारे में एक वीडियो हो जाएगा, फ्लावर के बारे में दो, उसके बाद में कुछ कुछ ऐसे खुद करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितना धीरे से समझने की कोशिश करना चाहिए उतना समझिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज ऐसे बहुत जल्दी से बताने का नहीं, बहुत धीरे से साझा करके समझने की बात। ठीक है दोस्तों, तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं हम स्टेम की तरफ। दोस्तों हम रूट देखे हैं, रूट के अंदर एडवेंटिशियस रूट क्या है, टैप रूट सिस्टम क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, स्टिल्ट रूट सिस्टम क्या है, ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल याद करना बहुत इम्पोर्टेंट, एग्जांपल याद करना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर आपने पास थ्योरी कुछ लिखी हुई है और मैं इसको इधर एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि आपको एनिमेशन भी चलेगा, आपका जो भी इस टॉपिक के ऊपर एनिमेशन है दोस्तों ये इस बॉक्स के अंदर चलेगा। ठीक है, इसके नीचे जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा जितना हो सके। समझे मेरी बात, अपने पास क्या है दोस्तों, अपने पास है एक स्टेम है। ठीक है, हालांकि उतना ज़्यादा अच्छा मैं क्या नहीं हूँ दोस्तों, ड्राइंग अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन ठीक बात है, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। Stems is modified to store food, help the plant to tide over unfavorable conditions of growth. In some plants like watermelon and grape, slender and spiraling coiled stem tendrils emerge from axillary buds. The stem tendrils are modified. Here, dosto, ऐसे मेरे पास क्या है दोस्तों, एक छोटा सा क्या है मेरे पास, एक drawing निकाला हूँ मैं, जो कि पेड़ का है, पेड़ बोले तो एक छोटा सा typical plant है दोस्तों। जो भी ये है दोस्तों अपने पास वो बोला था मैं, रूट्स था दोस्तों। ठीक है, रूट्स थे, हम स्टेम पढ़ रहे हैं ना, स्टेम तो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे दोस्तों। रूट्स जो था वो अंडरग्राउंड वाला पार्ट था, क्या था दोस्तों, अंडरग्राउंड वाला पार्ट था। इसका मतलब रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगा, अगर कोई चीज नीचे की तरफ ग्रो करेगी तो हम उसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे, क्योंकि नीचे ग्रो हो रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव कहां नीचे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे, ऊपर तो नहीं जा रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा, इसलिए हम इसको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ बातें हैं जो मैं बातें बताने से, कोई अगर रनिंग नोट्स बना रहा है तो रनिंग नोट्स बनाते चले जाइए, क्योंकि कुछ बातें सारी बातें तो नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो किसी को अगर लिखना है तो रनिंग नोट्स में लिखते हुए चले, इसको हम डीप में पढ़ना है दोस्तों। ये तो हो गया रूट्स के बारे में जो पिछले वाले वीडियो में बताया था, अभी हम स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं ना। स्टेम कहाँ ग्रो करता है सर, ऊपर ग्रो करता है। अगर स्टेम ऊपर ग्रो करता है दोस्तों, ऊपर जा रहा है, इसलिए हम उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे,
एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे, नीचे नहीं ग्रो कर रहा है ना, इसलिए हम इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो मींस लाइट, ट्रॉपिक मींस बढ़ना, जहां से लाइट आ रही उस तरफ बढ़ना है, इसलिए हम उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे। नीचे ग्रो नहीं करता है इसलिए इसको हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक है, ये दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लिख लो कहां पर एनसीईआरटी के बाजू में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बात थोड़ी से स्टेम के बारे में। क्या अभी ये जो अपने पास स्टेम है, अपने पास जो रूट है दोस्तों, ये किससे बनते हैं दोस्तों? हालांकि सभी को पता है कि सीड से ही प्लांट बनता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है दोस्तों, सीड है। सपोज ये अपने पास क्या है दोस्तों, सीड है। सीड के, सीड जब जर्मिनेट होगा जमीन में, तुम सीड डालोगे, अगर जमीन में डालोगे सीड, तो दो तरह के उसके अंदर से पार्ट्स निकलेंगे। एक तो होगा दोस्तों नीचे वाला ग्रो करने वाला पार्ट हो जाएगा, और एक ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा। ठीक है, ये किडनी नहीं है दोस्तों, किडनी नहीं, ये सीड है, टिपिकल सीड है, जिसके पास जब जर्मिनेट करेंगे दो से तीन दिन से, आप बिन के बाद हम क्या देखेंगे, ऐसे दो पार्ट्स हम देखेंगे। तो इसके अंदर दो जो पार्ट है दोस्तों, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेडिकल बोलेंगे, और रेडिकल से रूट की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत धीरे से समझे दोस्तों, रेडिकल से रूट की उत्पत्ति होती है, जो अंडरग्राउंड होता है, जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे दोस्तों प्लूम्यूल। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लूम्यूल बोलेंगे, जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से ऊपर वाला है जो भी स्टेम बनता है, स्टेम उससे अंदर बाहर, ये हो गया इसकी बेसिक कंसेप्ट दोस्तों, कि स्टेम कहां से आया है। स्टेम सीड से आया है, किस पार्ट से आया है? प्लूम्यूल से आया है, प्लूम्यूल से स्टेम बन रहा है, और रेडिकल से रूट बन रहा है, जो हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके दोस्तों। अभी जाएंगे हम एक 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 लाइन समझेंगे वो धीरे से। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट। स्टेम कैसा है? असेंडिंग पार्ट है दोस्तों। असेंडिंग का मतलब, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग का मतलब दोस्तों बढ़ना, बढ़ते चले जाए। अपने पढ़ाई के अंदर अगर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे ग्रो कर रहा है, पढ़ाई का टाइम ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो समझ लीजिए बात, आपके पास असेंडिंग का टाइम चल रहा है। ठीक है, असेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, ग्रो करना, उसको चढ़ने वाला। ओके, स्टेम क्या है अपने पास? असेंडिंग पार्ट है। डिसेंडिंग पार्ट कौन सा था दोस्तों? रूट्स था। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ ग्रो करना, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करना। इसके पास, इस स्टेम के पास दोस्तों ब्रांचेस, आगे जाके ब्रांचेस बनेंगे, लीव्स बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे, और फ्रूट्स भी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस, ये तो आपको समझ में आ गई होगी बात, इसलिए इसको हम रफ कर देंगे, हालांकि बहुत सिंपल था दोस्तों। इसके बावजूद हम जानेंगे कि ये आपको टिपिकल स्टेम दिख रहा होगा, स्टेम के पास आपको लीव दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, लीव दिख रहा है, लीव के बाद दोस्तों इधर दोस्तों क्या है? ये क्या है सर? ये बड़ है अपने पास। क्या दोस्तों? ये बड़ है, और बड़ यहाँ भी है, ये बड़ यहाँ भी है दोस्तों। इसको आप एक्सिलरी बड बोलेंगे, एक्सिलरी बड, जो बहुत ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसका नाम है लैटरल बड है दोस्तों, जो लैटरल बड है। ठीक है, लीफ भी आएगा, लीफ के बाद में फ्लावर्स भी आएंगे दोस्तों, फ्लावर्स के बाद में क्या आएंगे दोस्तों? फ्रूट्स भी आएंगे। ठीक है, डेवलप फ्रॉम अ प्लूमिल जर्मिनेटिंग सीड, जब हम अभी डायग्राम दिखाए थे कहाँ से स्टेम डेवलप हुआ है, प्लूमिल से हुआ है। इसके पास नोड्स एंड इंटर नोड्स है दोस्तों। अभी नोड्स क्या है और इंटर नोड्स क्या है, ये बातें समझना दोस्तों। इधर जो भी है, इधर नोड्स रहेगा आपका, क्या रहेगा दोस्तों? नोड्स रहेगा। जहाँ भी आपको लीफ दिख रहा है उस बात, उसको हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? नोड्स। ठीक है, इस नोड से ही हमारा लीफ बन रहा है। नोड से क्या बन रहा है दोस्तों? अपने पास
नोड से हमारा लीफ बन रहा है। जहां भी नोड रहेगा वहां से लीफ ग्रो करेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो दो नोड के बीच वाला पोर्शन है दोस्तों उसको हम इंटर नोड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटर नोड्स बोलेंगे। पहली बात क्या है, नोड से लीफ ग्रो होता है, दो नोड के बीच वाला पोर्शन जो भी है उसको हम इंटर नोड्स बोलेंगे। इस नोड से दोस्तों बड भी ग्रो होता है, यहाँ पे देखिए हम बड, जिसके योग भी बड, एक्सिलरी बड और लैटरल बड होता है। इधर भी देखो दोस्तों, स्टेम के पास बड होता है विच मे बी टर्मिनल एंड एक्सिलरी। स्टेम के पास बड होता है जो लैटरल भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। अगर वो स्टेम यंग है दोस्तों तो वो ग्रीन है, डार्क हो जाएगा तो वुडी हो जाएगा। जब छोटा प्लांट रहेगा तब उसका स्टेम ग्रीन रहेगा। अगर ग्रीन का मतलब क्या है सर? ग्रीन का मतलब फोटोसिंथेसिस करना। हालांकि हम जानते हैं सभी लोग कि लीफ से फोटोसिंथेसिस होती है, यस, क्योंकि सर उसके पास क्लोरोफिल ए रहता है और क्लोरोफिल ए इज ग्रीन पिगमेंट, हम वो भी बात बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात भी उतनी अच्छी है, जो भी प्लांट का पार्ट ग्रीन रहेगा वो सभी के अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। अगर क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा तो सादा सी बात है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो जब स्टेम, जो भी प्लांट जब यंग रहता है वो ग्रीन रहता है तब फोटोसिंथेसिस करता है। हालांकि बाद में जब उसके लीव्स ग्रो करेंगे उसके बाद में वो स्टेम जो भी है वुडी बन जाता है, उसके बाद में वो सिर्फ सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। उसके बाद में हम, ये तो आपको समझ में होगी पूरी बात, रूट्स क्या है, स्टेम क्या है, नोड्स क्या है, इंटर नोड्स क्या है। नोड से बड होता है, बड से लीफ होता है, लीफ से फ्लावर होता है, फ्लावर से फ्रूट होता है, फ्रूट से सीड होता है। ऐसी बातें सभी आपको याद आ जाएंगे। इस स्टेम से हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड, इतना तो हो गया दिमाग में पूरा का पूरा छप जाना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए दोस्तों। अभी इसके आगे जाएंगे हम। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे, कभी हम जो भी बेस्ड ऑन स्टेम, बेस्ड ऑन स्टेम की जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तीन टाइप के दोस्तों। एक को बोलेंगे हम हर्ब्स, दूसरे को हम बोलेंगे तो श्रब्स बोलेंगे, तीसरे को हम बोलेंगे ट्री। हर्ब्स बहुत ही छोटी होते हैं, वेरी स्मॉल साइज्ड, और इसका जो भी है पूरा का पूरा जो भी स्टेम है वो ग्रीन रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पास देखा होगा दोस्तों कोरिएंडर, अपने पास एग्जाम्पल क्या दोस्तों, कोरिएंडर देखो तुम, और टोमेटो का प्लांट देखो दोस्तों, टोमेटो का प्लांट, ठीक है, जो भी दो चीज छोटे रहते हैं ऐसे रहते दोस्तों, ऐसे ग्रो करते जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी ग्रो करते, ठीक है। ऐसे टोमेटो रहता है, ठीक है, हमको उतना अच्छा नहीं, ठीक है, टोमेटो है दोस्तों। ये जो भी है बहुत ही स्मॉल साइज है दोस्तों, इसके पास स्टेम भी ग्रीन है, जिसके पास जो भी फ्रूट्स है बहुत जल्दी आते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ही कम रहता है, उतना ज्यादा नहीं तो नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गए हर्ब्स जो बहुत ही छोटे प्लांट है। उसके बाद में दोस्तों जिनका क्या है स्टेम क्या है पूरा का पूरा ग्रीन है, हर्ब श्रब्स देखो दोस्तों, श्रब्स का मीडियम साइज मतलब स्मॉल साइज ही है दोस्तों। लेकिन देखो तुलसी का पेड़ है दोस्तों, तुलसी का पेड़ देखो, तुम देखे होगे तुलसी का पेड़, तुलसी के पेड़ के दोस्तों उसकी स्टेम ग्रीन से वुडी बनती है ना। देखो दोस्तों ऐसे स्टेम रहती है, इसे थोड़ा सा क्या पत्तियां सब आती है जिनको भी हम बोलते हैं, ठीक है। तुलसी देखो दोस्तों, और अपने पास जो भी आपके पास ग्रेन से दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं उसको हम, गेहूँ बोलते हैं, ग्रेन जो भी है, ग्राउंड नट्स में भी बड़े बड़े जीव है दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं शब्स के अंदर डालेंगे। इनका जो भी स्टेम है दोस्तों पूरी रहता है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा प्रॉप रूट्स दोस्तों, जो भी है बैंगानालिसिस
दोस्तों इतना बड़ा तो उसका स्टेम नहीं होता है, बहुत ही मीडियम साइज का होता है, बहुत ही छोटा रहता है। इसको हम श्रब्स के अंदर डालेंगे। अब ट्रीज तो आपको पता ही है दोस्तों, ट्रीज को आपको पता ही है बहुत बड़ा रहता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे वाला जिसका पास एप्पल रहता है, एप्पल का ट्री है ना, इसके पास ये जो भी है ट्रंक बोलते हैं, ट्रीज जो भी है बहुत ही बड़ा इसका रूट पार्ट रहता है, ठीक है। ये तो हो गया हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है और ट्रीज क्या है, थोड़ी सी बातें हैं जो बर्ड्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अभी इसके पास भी क्या बात है, डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चले जाते हैं यहाँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गई होगी, कुछ कुछ बातें आपको अगर रीडिंग हो रही है, रिविजन हो रहा है तो लिख लो साइड में, एनसीईआरटी में कहा तो। दोस्तों अभी जाएंगे इसके स्टेम फंक्शन के ऊपर। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, स्टेम के बारे में सभी जितना भी नॉलेज मेरे पास है सभी आपको दे दी, जितना भी वो शेयर कर दिया, ठीक है। वो एक्सिलरी बर्ड क्या है, लैटरल बर्ड क्या है, क्या नहीं क्या नहीं, अपाइकल बर्ड क्या है, वो बाद में दोस्तों एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट में वो सब पढ़ेंगे। अभी के लिए जितना आपके पास एनसीईआरटी में उतना ही काफी है। अभी देखो दोस्तों फंक्शन क्या है अपने पास, स्प्रेडिंग ब्रांचेस, जो भी अभी स्टेम का फंक्शन है बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ाना है, नोड से ब्रांचेस बनते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तरीके से ब्रांचेस बनना है उसको बोलेंगे स्प्रेडिंग ब्रांचेस। अगर ब्रांचेस बढ़ेगा तो फ्लावर्स भी बढ़ेंगे, अगर फ्लावर्स बढ़ेंगे तो लीव्स बढ़ेंगे, तो फ्लावर्स बढ़ेंगे, फ्लावर्स बढ़ेंगे तो फ्रूट्स बनेंगे दोस्तों, फ्रूट्स बढ़ेंगे तो सीड भी बनेंगे, ठीक है। ऐसा है, सिर्फ उनके ब्रांचेस बढ़ाना इतना ही काफ़ी है क्या नहीं दोस्तों, उनको हालांकि कंडक्ट वाटर, उसके अंदर वाटर का जो भी रहता है जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी क्या बातें हैं क्या नहीं, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जाइलम फ्लोएम जो भी है वो कंडक्टिंग सिस्टम है बॉडी, ठीक है, उसको भी हम ले लेंगे, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। और बहुत यंग अगर रहेगा प्लांट अगर यंग रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन रहता है। इसलिए सम दूसरे कुछ कुछ स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया काम, फंक्शन है दोस्तों किसके बारे में, अपने स्टेम के बारे में। उसके बाद भी हम जाएंगे दोस्तों इसके मॉडिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि नीड के अंदर इसके इंट्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों, इसके सिर्फ मॉडिफिकेशन के एग्जांपल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखेंगे हम। मॉडिफिकेशन में दोस्तों तीन तरह के मॉडिफिकेशन है मेरे, हालांकि बहुत ही आपको कहां भी नेट पे मिल जाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तीन तरह के दोस्तों, एक है अंडरग्राउंड है, सब एरियल है और एरियल है दोस्तों। सबसे पहले हम जो भी है दोस्तों वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड, ठीक है। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट के ऊपर। दोस्तों हम कुछ डेफिनेशन दिए हैं इधर और उसके एग्जांपल दिए दोस्तों, हालांकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेकिन ये नाम जो दिया है दोस्तों ये नाम नहीं दिए गए हैं। हालांकि तुम लिख सकते हो एनसीईआरटी में जो भी एक्स्ट्रा तुम्हारे पास है उसके अंदर लिख सकते हो, सिर्फ नाम और उसका एग्जांपल्स तुम लिख लेना, ठीक है दोस्तों। बाद में हम एनसीईआरटी में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, पहले स्टार्टिंग में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम चल रही है अपने पास। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम चल के तीन प्रकार है दोस्तों उसके अंदर, ये अपने पास अंडरग्राउंड है, अपने पास एरियल है, अपने पास सब एरियल है। अंडरग्राउंड के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, एरियल के अंदर टाइप्स है और सब एरियल के पास भी टाइप्स है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन हम एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट हम अंडरग्राउंड क्या है देखेंगे, उसके बाद में एरियल क्या है देखेंगे, उसके बाद में सब एरियल भी देखेंगे, बहुत धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। अभी अंडरग्राउंड का मतलब दोस्तों जमीन के अंदर जो भी अपने पास ग्रोइंग करेगा, स्टोरेज करेगा, उसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास देखिए दोस्तों क्या क्या है अपने, क्या नहीं, सबसे पहले दोस्तों स्टेम ट्यूबर, क्या दोस्तों अपने पास स्टेम ट्यूबर है, हालांकि एनसीईआरटी में 5-6 एग्जांपल दिए गए हैं। स्टेम ट्यूबर का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है वो समझेंगे। स्वोलन एंड्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ मेन स्टेम,
विच पजेस आई एम। दोस्तों जो भी अपने पास स्टेम का नीच स्वेट के अंदर जो भी है दोस्तों, ठीक है, स्वॉलन में इसका जो भी एंड है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, स्वॉलन हो जाएगा। स्वॉलन हो जाएगा मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या हो गया, बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। स्वॉलन एंड्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच, जो भी ब्रांच अंदर है दोस्तों, ये रूट्स नहीं है, ये रूट्स नहीं है, ये स्टेम है दोस्तों। रूट्स का मॉडिफिकेशन में अंदर हम स्वीट पोटैटो एग्जांपल देखे थे, रेडिश एग्जांपल देखे थे और कैरेट एग्जांपल देखे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ मेन स्टेम, जो भी मेन स्टेम की ब्रांच है दोस्तों अंदर है, जो भी ग्रो कर रही है। हालांकि अपने पास एक दोस्तों एक क्या है, अपने पास स्वीट पोटैटो है, इसके पास दूसरा क्या है, इसके पास ऐसे कुछ दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो आइस बोलेंगे। तुम देखे होगे आपके पास अगर आलू घर में है तो कुछ दिन के बाद ऐसे ही रख दो दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बर्ड्स आएंगे, उस बर्ड से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। इसीलिए दोस्तों जो भी अंडरग्राउंड वाला है ना पोर्शन, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर भी लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट, ये जो भी है अपने पास मॉर्फोलॉजी का, ये पॉइंट जो भी है ये, और अपने पास रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर जो भी है, वो दोनों भी सेम है दोस्तों, ठीक है। हालांकि नई एनसीईआरटी में वो चैप्टर डिलीट कर चुका है, उतना कुछ बात नहीं। स्टेम ट्यूबर के बारे में, सोलन एंड है मेन ब्रांच का, जो भी लास्ट एंड है वो सोलन है, और उसके पास आईज और नोड्स है जिसके पास वो ग्रो कर सकता है, इसको हम ट्यूबर बोलेंगे। हालांकि एग्जांपल याद कर लेना, एग्जांपल ये दिमाग में पक्का रहना चाहिए, एग्जांपल के बिना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर अधूरा है। उसके बाद में हम जाएंगे सकर्स की तरफ दोस्तों, सकर्स क्या है क्या है वो देखेंगे। हालांकि ये बात आपको समझ आ गई होगी इसलिए मैं रफ कर दूंगा इधर, ठीक है दोस्तों। तो सकर क्या है, नोड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, जो भी अंडरग्राउंड स्टेम वाले नोड्स रहते हैं दोस्तों, नोड्स। अभी यहाँ पे बर्ड नहीं बनता, यहाँ पे क्या दोस्तों क्या है, बर्ड्स था, स्वॉलन पार्ट था, यहाँ पे क्या दोस्तों लीफी, दोस्तों क्या है लीफी, लीफी मतलब क्या दोस्तों, लीफ बेस दिखता है, दिखता है दोस्तों लीफी, लीफी शूट्स, ठीक है लीफी बेस। इसका एग्जांपल क्या दोस्तों अपने पास बनाना, हालांकि राइजोम के अंदर भी बनाना आएगा और शक्कर के पास भी बनाना आएगा। क्यों दोस्तों, जो भी ऊपर वाला पार्ट है, इसका ऊपर वाला जो भी पार्ट है दोस्तों, ये शक्कर बन जाएगा, बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हालांकि 12th के एनसीईआरटी में राइजोम के अंदर भी बनाना दिया है एग्जांपल, याद करके एनसीईआरटी, लेकिन 11th एनसीईआरटी क्या बोलती है दोस्तों, जो भी अपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बनाना का शक्कर बोलेंगे, जो नोड से ग्रो करता है, लीफी लीफी लीव्स देखता है दोस्तों। इसका एग्जांपल क्रायसैंथेमम है, इसको हम बनाना बोलते हैं, और राइजोम क्या है, नीचे वाला पार्ट, फ्लेशी अंडरग्राउंड नोड्स एंड इंटरनल, इसको हम एग्जांपल दोस्तों जिंजर है, जिंजर और टर्मरिक, टर्मरिक भी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम एक बॉक्स कर लो उसी के अंदर सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे। राइजोम का क्या है दोस्तों, जो भी जिंजर और टर्मरिक है। कॉर्म जो है दोस्तों, कॉर्म क्या रहता है, ये देखो ऐसा रहता है, देखो फ्लेशी रहता है, फ्लेशी ऐसे ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसे आपने बर्ड्स ग्रो करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम है दोस्तों, जो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, एट द बेस एक्सिलरी बर्ड्स रहते हैं, इस पास एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों कोलोकेशिया, क्या है दोस्तों आपके पास, कोलोकेशिया एग्जांपल है, जिसको हम याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे। बल्ब बहुत अच्छा है दोस्तों, हाईली रिड्यूस्ड स्केली लीव्स है, जिसके देखो दोस्तों ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ऐसा ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा ना, इसको हम स्केली लीव्स बोलते हैं, ठीक है। ऑनियन एंड गार्लिक दो एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है, ऑनियन एंड गार्लिक, इसको याद कर लो दोस्तों। क्या करना है आपके लिए, होमवर्क बता दूंगा दोस्तों मैं, स्टेम ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो है सर, ठीक है। शक्कर का एग्जांपल क्या है दोस्तों, शक्कर का एग्जांपल अपने पास बनाना है, ऐसे आपके पास लिखना चाहिए। राइजोम का एग्जांपल क्या है दोस्तों, राइजोम का एग्जांपल है जिंजर एंड टर्मरिक, टर्मरिक है। कॉर्न का एग्जांपल क्या है, कोलोकेशिया है, कोलोकेशिया है, और बल्ब का एग्जांपल ऑनियन एंड गार्लिक है। ऐसे एग्जांपल आपको याद करके आते हैं, डेफिनेशन उनको कोई पूछेगा नहीं दोस्तों, सिर्फ तुमको एग्जांपल याद करना पड़ेगा।
ट्रस्टिंग एनिमल्स। ये तो हो गया दोस्तों किसके बारे में, थोड़ा सा अंडरग्राउंड स्टेल के बारे में। अभी जाएंगे हम एरियल के बारे में। आप इतना एनसीईआरटी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले ले लो दोस्तों। उसके बाद में जाएंगे हम एरियल के बारे में। दोस्तों अभी हम जाएंगे एरियल के ऊपर। एरियल के अंदर भी चार टाइप्स है दोस्तों। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने जितना हो सके लिखा है, कुछ एग्जांपल्स अगर रह गए आप तो खुद से कर लो दोस्तों गूगल के ऊपर, ठीक है। तो स्टेम ड्रिल क्या है दोस्तों, तुम देखे हो गया ऐसे दोस्तों क्वाइल रहता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वाइल जो बनाते हैं, क्वाइल कौन बनाता है दोस्तों, दो तरह के रहते हैं। एक तो रहता है डार्ट्स, दूसरा है ग्रेप वाइंस। ग्रेप वाइंस मतलब दोस्तों जो भी अंगूर रहते हैं, ग्रेप्स रहते हैं, उनका पेड़ जाके देखो ऐसा स्पाइरल क्वाइल में तुम तो ब्रांच दिखेगा, ऐसा स्टेम दिखेगा। गार्ड्स का एग्जाम्पल है दोस्तों, कुकुम्बर है अपने पास, पंपकिन है, वाटर मिलन है, ठीक है। ये हो गया टेंड्रिल का एग्जाम्पल, स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल। लीफ टेंड्रिल नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टेम टेंड्रिल। फाइलोफ्लोयर बोलो तो क्या दोस्तों, लीफ का सरफेस जो भी है दोस्तों उसके ऊपर कांटे आते हैं, कांटे कांटेदार, ठीक है दोस्तों। ऐसे कांटे आते हैं, ऐसे कांटे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोफ्लोयर्स बोलेंगे। अगर फ्लैटेंड है दोस्तों उसको हम ऑप्सोनिया बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसलिए याद करो। अगर कोई कोई है दोस्तों सिलेंड्रिकल भी रहता है ऐसा, ठीक है, ऐसा सिलेंड्रिकल भी रहता है किसी किसी के, ठीक है, आपके घर के पास। इसका काम क्या है दोस्तों, ये जो भी है ये जहाँ पे वार्म एरियाज है, वार्म एरियाज जैसे डेजर्ट है दोस्तों, ठीक है, डेजर्ट में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, जो भी ट्रांसपिरेशन है उनको रिड्यूस करना, वाटर कंटेंट को स्टोर करना मिनिमम, फोटो रेस्पिरेशन और लॉस ऑफ वाटर। इनके पास दोस्तों क्या रहता है, लेस स्टोमाटा प्रेजेंट, बहुत ही कम स्टोमाटा प्रेजेंट, लेस स्टोमाटा, लेस स्टोमाटा। इसके अंदर ये जो भी दोस्तों लीफ का मॉडिफिकेशन, किसका दोस्तों, लीफ का मॉडिफिकेशन है अपने पास, जो भी इसके पास अपने को कांटे दिख रहे हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसका एग्जांपल ऑप्सोनिया, एंड सिलेंड्रिकल अगर रहेगा तो उसका यूफोर्बिया एग्जाम्पल दोस्तों। क्लैडोड्स ऐसे ही दोस्तों, क्लैडोड्स आपको एग्जाम्पल दिया होगा, क्लैडोड्स आपकी इसमें नहीं है लेकिन क्लैडोड्स 12th के एनसीईआरटी में दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। 12th के एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। उसके पास एस्परेगस है, उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से ये है। सबसे बड़ी बात दोस्तों थॉर्न्स क्या है, थॉर्न बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम के अंदर है, ऐसे ऐसे कांटेदार निकलता है आपको, ठीक है। यहाँ तो नोट्स रहेगा, नोट्स के अंदर तो लीफ रहेगा, ठीक है, लीफ के बाजू में भी क्या रहेगा दोस्तों, ऐसा कांटेदार रहेगा, उसको हम प्रोटेक्शन के इसमें यूज होता है। इसका एग्जांपल वेस्ट सिट्रस, एंड और एक एग्जांपल है अभी याद आया मुझे, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया और एक एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है। सिट्रस एंड बोगनवेलिया, इनके पास थॉर्न रहता है जिसको जिसको भी एनिमल्स है, एनिमल्स से बचाव करने के लिए इसके पास ये मॉडिफिकेशन मौजूद है, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये हो गया दोस्तों एरियल के बारे में। एग्जांपल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, और बाद में दोस्तों सब एरियल क्या है, सब एरियल मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे भी है, अंडरग्राउंड भी नहीं है और एरियल भी नहीं है, उसके दोनों के बीच में हम जो भी है उनको हम रनर बोलेंगे। अभी रनर क्या है दोस्तों, ग्रास है अपने पास और मेन प्लांट है। अभी ये क्या है दोस्तों अपने पास क्या है दोस्तों, ग्रास, ग्रास का जो भी है दोस्तों, ठीक है, ग्रास अभी निचले वाला जो भी पार्ट इधर वाला है ओल्ड हो चुका है, वो मर गया, इधर वाला पार्ट जो है दोस्तों और ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा, ऐसा ऐसा करते 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 चला जाएगा, ठीक है। और पिछले वाला पार्ट मर जाएगा और आगे वाला पार्ट जो भी है वो ग्रो करेगा और नया नया बन जाएगा। उसके बाद में स्टोलन क्या है दोस्तों, स्टोलन क्या है अपने पास, उसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, स्ट्रॉबेरी है, इसका भी अपने पास एनसीईआरटी में दिया गया है। और ऑफसेट का एग्जाम्पल पिस्टिया है और इकाइनोरिया है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे ग्रो करेंगे, इधर ब्रेक हो जाएगा और जाएंगे, ऐसे वाले हैं, लेकिन उतना डीप में नहीं जाना है अपने को दोस्तों। जितना हो सके उतना मैं बताने की कोशिश कर दिया हूँ। पिस्टिया दोस्तों लाइट भी चली गई है, क्या करें दोस्तों, बहुत ही कठिन समय आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे गांव में ना दोस्तों लाइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, न जाने कौन से इस पे, जब भी हमारे जब जो भी छात्र हमारे पढ़ाई करते हैं
रात में पढ़ाई करने बैठ गए, दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। पहली बात तो मच्छर बहुत काटेंगे, दूसरी बात लाइट नहीं आएगी तो पढ़ाई कैसे करेंगे। दोस्तों इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गांव में रहना हालांकि बहुत ही कठिन है दोस्तों, बहुत ही कठिन है। पैसे का प्रॉब्लम भी रहता है दोस्तों, लाइट भी नहीं रहती है। अगर पढ़ाई करने का इच्छा हो गया तो लाइट नहीं रहती है, जब इच्छा नहीं रहती है तब लाइट आ जाती है। ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि जितना भी मैं आज स्टेम के अंदर बताया हूँ पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हालांकि एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों, जितना भी आपके पास एनसीईआरटी में दिया गया है उसे कहीं ज़्यादा मैंने आपको बताया हूँ, जिसके पास दो डायग्राम भी दिए गए हैं दोस्तों आपके पास, ठीक है, इसके भी ज़्यादा अच्छा बताया। सिर्फ बस एग्जाम्पल्स और उनके नाम याद करो दोस्तों, एनसीईआरटी पूरे के पूरा एनसीईआरटी के बाजू में लिख लो कि नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। अगर कोई बात कितनी, अगर कोई डाउट है आपके पास तो अगर पूछने का है तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी डाउट है आपका। और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। आप हमारी मेहनत का फल जो भी है वो सब्सक्राइब और लाइक के में ही मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ दोस्तों, जिसका नाम है लिफ्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।